Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी तो मुश्किल में हैं ही, उनके साथ उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी की 15 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को योगी प्रशासन के द्वारा कुर्क कर लिया गया था। तो वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनशा अंसारी जो है अवैध भूमि कब्जाने के मामले में फरार चल रही है। तो उनके बड़े बेटे मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी जो है वो अवैध असलहे को कर फरार चल रहे हैं और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। तो वहीं कोर्ट जो है उन लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनशा अंसारी को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाया है और कोर्ट ने एक बड़ा गच्चा दे दिया है। दरअसल बात करें तो भूमि कब्जाने के आरोपों के खिलाफ यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनशा अंसारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अफनशा अंसारी के मामले पर एससी में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस वेला माधुर्य त्रिवेदी को बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफनशा अंसारी पर मऊ के दक्षिण टोला थाने में 31 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अफनशा अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से अफनशा अंसारी को राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बता दें कि मऊ जिले के थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के रनी गांव में अनुसूचित जाति को पट्टे पर दी गई ग्राम पंचायत की जमीन को रजिस्ट्री मुख्तार अंसारी ने अपने प्रभाव से अपनी पत्नी अफनशा अंसारी के नाम करा लिया था, जिसकी शिकायत मिलने पर जांच के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने इस जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसके बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी सहित अन्य लोगों के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसी केस में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। पुलिस ने न्यायालय से उसकी गिरफ्तारी के लिए NBW वारंट की मांग की थी। अंसारी के 2 सालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। बांदा जेल में बंद हैं बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी वर्तमान यूपी के बांदा जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की तलाश हाल ही में लखनऊ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ की MPML कोर्ट ने 2019 के सशस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग एक गैर मामले में गैर जमानती वारंट NBW जारी किया गया है, जिसको लेकर पुलिस अब्बास की भी तलाश कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल उनकी पत्नी अफनशा अंसारी को कोर्ट के द्वारा बड़ा झटका लग गया है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।